हम अपने थंबनेल्स पर घंटों दिमाग लगाते हैं, YouTube पर हाउ टू इम्प्रूव थंबनेल्स वाली वीडियोस देखते हैं एंड काफी टाइम लगाकर वी मेक अ ग्रेट प्रोफेशनल लुकिंग थंबनेल। बट एंड में होता क्या है, वायरल होते हैं तो ऐसे अनप्रोफेशनल थंबनेल्स जिन्हें कोई भी बना सकता है, बट स्टिल ऐसे थंबनेल्स वाली वीडियोस में कई बार ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। तो क्वेश्चन यही है, अगर ऐसा है तो हम अच्छे थंबनेल्स बनाए ही क्यों? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ऐसा होता क्यों है और तुम्हें कैसे थंबनेल्स बनाने चाहिए ताकि तुम्हारी वीडियोस भी वायरल जाएं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Why do bad thumbnails even go viral on YouTube? अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, जिन भी थंबनेल्स की बात मैं करूंगा वो बस एक एग्जांपल होंगे, ये मत समझना आई हेट देम या कुछ और, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ या सही भी हूँ, ये बस मेरे ओपिनियंस हैं। सो अब आते हैं अपनी वीडियो पर। सो ये है थंबनेल नंबर 1 और ये है थंबनेल नंबर 2। व्हाट डू यू थिंक, कौन सा यूट्यूब सर्च रैंकिंग में ऊपर होगा? हाँ, यू आर राइट, थंबनेल नंबर 3। अरे पहले दोनों तो प्रोफेशनल है ना, तो वो कैसे ऊपर होंगे? नहीं, जोक्स अपार्ट, ये तो मैंने तुम्हें बस ऐसे एक एग्जांपल दिया कि यार कैसे अनप्रोफेशनल थंबनेल्स भी रैंक कर रहे हैं, जबकि CTR सबसे ज्यादा जरूरी है एंड ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल थंबनेल्स नहीं है, तो इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए पर हैं। तो कुछ तो ऐसा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है एंड ये वीडियो उसी चीज के बारे में है, द डिफरेंस बिटवीन एस्थेटिक एंड क्लिकी थंबनेल्स। तो ये दोनों है क्या एंड तुम्हें इन दोनों में से कौन सा थंबनेल बनाना चाहिए? एस्थेटिक थंबनेल मतलब तुम एक ऐसा थंबनेल समझ लो जिसमें एलिमेंट्स की अलाइनमेंट, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट कलर, ओवरऑल कलर सिलेक्शन, एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ आर्टिस्टिक हो, बेसिकली वो देखने में काफी बढ़िया हो, देखने में वो प्रोफेशनल लगे, सुंदर लगे। और क्लिकी थंबनेल्स का तो मतलब सीधे तुम्हें पता ही चल रहा है कि उस पर ज्यादा लोग क्लिक करेंगे, hence I call it a clicky thumbnail। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इस वीडियो पर पहले मैंने ये थंबनेल लगाया था और देखने में काफी डिसेंट सा थंबनेल है, बहुत तगड़ा तो नहीं कहूंगा पर सही है, बट देन आई चेंज दी थंबनेल एंड मैंने इस वीडियो पर ये थंबनेल लगा दिया एंड टू बी ऑनेस्ट एस्थेटिकली दोनों काफी सिमिलर है, सेम फोटो, सेम कलर कॉम्बिनेशन एंड इवन सिमिलर कॉम्पोजिशन, बट व्यूज पहले वाले में उतने नहीं आ रहे थे, बट थंबनेल चेंज करते ही इट वेंट सेमी वायरल, 70,000 प्लस व्यूज। व्हाई? बिकॉज एस्थेटिकली तो दोनों सिमिलर है पर थंबनेल 2 इज मोर क्लिकी, सिंस मैंने उसमें कंपैरिजन का एलिमेंट डाला है, लोग उस पर ज्यादा क्लिक करते हैं, हेंस मोर व्यूज। ऑल्सो अगर तुम नोटिस करोगे तो इवन फ्लाइंग बीस के थंबनेल्स भी बस ऐसे ही बनाए हुए हैं, दो फोटो ली, उन्हें ऐसे जोड़ दिया एंड डन, देखने में बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, दे आर नॉट एस्थेटिकली प्लीजिंग, पर व्यूज मिलियंस में है भाई। पर क्यों? बिकॉज अगेन दे आर नॉट एस्थेटिक बट क्लिकी। भाग जाए करो यहाँ से, अनप्रोफेशनल थंबनेल बनाने से थंबनेल कैसे क्लिकी हो गया? तुम इस थंबनेल को देखो, इसका टाइटल है बादशाह न्यू सॉन्ग शूट इन जैसलमेर एंड हेंस थंबनेल में एक तरफ फ्लाइंग बीस्ट विद बादशाह है और दूसरी तरफ सिर्फ बादशाह है, पर इसे उतने सही से नहीं बनाया यार, लाइक बस दो फोटो ली, एक फोटो को थोड़ा इरेज कर दिया एंड उधर दूसरी फोटो आ गई एंड बस ऐसे ही बन गया एक 5 मिलियन वाले चैनल का थंबनेल। लेकिन नोट करने वाली बात यह है, इट मे नॉट बी एस्थेटिक बट इट इज क्लिकी। हाउ? इस वीडियो में जो थंबनेल और टाइटल है वो मिलकर एक स्टोरी बता रहे हैं कि फ्लाइंग बीस्ट मेट विद बादशाह एंड अब ये एस्थेटिक हो या ना हो, स्टोरी इस थंबनेल से पता लग रही है। राइट वाले पार्ट से लोग बादशाह को देखेंगे एंड हेंस रुकेंगे बिकॉज उसमें बादशाह की फोटो काफी बड़ी है एंड ही कैन बी सीन क्लियरली। वहीं लेफ्ट वाली फोटो में ये दिख रहा है कि ये दोनों साथ में थे, हेंस ये एक तो टाइटल को जस्टिफाई कर रहा है एंड एक परफेक्ट स्टोरी बाहर आ रही है एंड उसके साथ में हमें काइंड ऑफ प्रूफ भी दिख रहा है दैट फ्लाइंग बीस्ट रियली मेट बादशाह एंड ये कोई क्लिकबेट नहीं है। वहीं अगर ऐसे किसी केस में तुम अपने थंबनेल को ओवर एडिट करते हो, देन चांसेस आर हाई उसे ज्यादा एडिट करके एस्थेटिक बनाने के चक्कर में वो ऑथेंटिक ना लगे। मतलब मेनली व्लॉग्स का थंबनेल ऐसा होना चाहिए जिससे लगे हाँ जो बात टाइटल में है वो सही में भी हुई है एंड हेंस वो जितना रॉ होगा उतना रियल लगेगा, हेंस वो ज्यादा क्लिकी बन पाएगा। एडिट करके लगाओगे तो लोगों को लगेगा ये तो फोटोशॉप से बनाई हुई है। हाँ हाँ ठीक है एल्ग्रो, पर फ्लाइंग बीस्ट के तो पहले से मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उसका थंबनेल कौन ही देखता है यार, चैनल नेम देख के आते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें यूट्यूब न्यूज चैनल्स का एग्जांपल देता हूँ। ये एक तरफ न्यूज बॉय के थंबनेल्स हैं और दूसरी तरफ दिनेश टॉक्स के थंबनेल्स हैं। दोनों ही तरफ थंबनेल्स एस्थेटिक नहीं है, जबरदस्ती 2-3 फोटो डाल दिया है, उल्टा सीधा टेक्स्ट डाल दिया है, मतलब खिचड़ी से बना दिया। स्टिल व्यूज न्यूज बॉय के रेगुलरली 4-5 लाख, तो इवन दिनेश टॉक इज गेटिंग अराउंड 40,000-50,000 व्यूज पर वीडियो। कैसे? यहाँ तो काफी लोग थंबनेल को देखकर ही डिसाइड करते हैं ना कि क्लिक करें या ना करें, तो इधर तो इतने व्यूज नहीं आने चाहिए पर आते हैं। क्यों? बिकॉज अगेन दे आर नॉट एस्थेटिक बट
क्लिक की। यहाँ ऑडियंस को मतलब नहीं है कि न्यूज बॉय ने किस यूट्यूबर की फोटो कितनी बढ़िया क्वालिटी में लगाई है, उन्हें मतलब है कंट्रोवर्सी कितनी बड़ी है। तो ये जो फ्रेज है ना, ये जितने बेटर होंगे व्यूज उतने ज्यादा आएंगे, तुम्हारा थंबनेल उतना ज्यादा क्लिकी होगा। तो तू क्या कह रहा है एल्गो कि हम एस्थेटिक थंबनेल बनाए ना, हमारी ब्रांड इमेज का क्या, लोग देखकर कहेंगे कितना फालतू थंबनेल है, फिर क्या करेंगे, बताता हूँ। तो क्या तुम्हें एस्थेटिक थंबनेल्स बनाने चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स बनाने चाहिए भाई। एग्जांपल के लिए तुम कितने ही फॉरेन चैनल्स या प्रोडक्टिविटी चैनल्स या फिर इवन से फिटनेस चैनल्स को देख सकते हो। यश शर्मा फिटनेस या साकेत गोखले आर ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस। बल्कि फिटनेस वीडियोस में तो मोस्ट केसेस में तुम्हें थंबनेल जितना ज्यादा देखने में अच्छा लगेगा उतना फायदा होगा। जिसने अपनी बॉडी को थंबनेल में बढ़िया एस्थेटिकली दिखाया होगा, लोग उसे ज्यादा देखेंगे। इसका दूसरा बढ़िया एग्जांपल है कुकिंग। कुकिंग चैनल के थंबनेल तुम क्या कर सकते हो, क्लिकबेट करोगे क्या? नहीं दोस्त, हल्का सा दिमाग लगाओ। जिसका थंबनेल देखकर मुंह में ज्यादा पानी आएगा, व्यूज भी उसी को ज्यादा आएंगे। तो अपनी डिश की एक नंबर की फोटो लो, एडिट करो और देखने में मस्त बनाओ। मेक इट एस्थेटिक। यार एल्ग्रो तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा, हम कोई और टेक यूट्यूबर ही देख लेंगे यार। गलत ही सही, कम से कम 10 दिन में मिलियन करने की ट्रिक तो बता देगा। तू तो हमें फालतू में ऐसे घुमा रहा है यार, ये कौन सी बात हुई? चुप, चैनल ग्रो करना है ना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। जिन लोगों को ट्रिक्स चाहिए उन्हें वही देखने दो, देने दो उन्हें अपने आप को धोखा। पर तुम सीरियस हो तो लॉजिक समझने पड़ेंगे। तो फाइनली तुम्हें कौन से थंबनेल बनाने चाहिए, एस्थेटिक या क्लिकी? इसे ऐसे समझो, तुम्हारा एम क्या है? टू गेट मोर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? टू गेट मोर व्यूज। ज्यादा व्यूज लाने के लिए क्या जरूरी है? मेनली हाई CTR एंड हाई वॉच टाइम। अब हाई CTR के लिए क्या जरूरी है? कि लोग तुम्हारे थंबनेल पर ज्यादा से ज्यादा क्लिक करें, बेसिकली वो ज्यादा से ज्यादा क्लिकी हो। तो मतलब एल्ग्रो एस्थेटिक नहीं होना चाहिए क्या? अरे ऐसा किसने कहा भाई कि अगर एक थंबनेल क्लिकी है तो वो एस्थेटिक नहीं हो सकता? बल्कि कई केसेस में एक एस्थेटिक थंबनेल ही क्लिकी होने वाला है। जैसे अभी मैंने तुम्हें फिटनेस और कुकिंग वाले एग्जांपल दिए थे, उनमें तुम्हारा थंबनेल जितना ज्यादा एस्थेटिक होगा उतना ही ज्यादा क्लिकी होगा। सी, तुम पॉइंट को समझो, तुम्हारा एम है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा क्लिकी हो एंड एस्थेटिक भी हो। लेकिन एस्थेटिक बनाने के चक्कर में यू डू नॉट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज हाउ क्लिकी दैट थंबनेल इज। इससे मेरा क्या मतलब है? देखो, जरूरी नहीं है जो थंबनेल एस्थेटिक होगा वो क्लिकी नहीं हो सकता है। बट कुछ केसेस में दी थंबनेल नीड्स टू लुक रॉ एंड ऑथेंटिक, एंड ऐसे में एन एस्थेटिक लुक में हैम्पर इट। सी, टू बी ऑनेस्ट, ये तुम्हारे कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कब क्या यूज करना है। स्टिल मैं भी तुम्हें दो ऐसी चीजें बताता हूँ जिससे तुम्हें ये डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो वो दो चीजें हैं क्या? सीक्रेट नंबर 1 तो वही है जो मैं तुम्हें हजार बार बता चुका हूँ, थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडियंस। मतलब कल परसों मुझे एक DM आया था आस्किंग कि मैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करूँ। इसका सिंपल आंसर है, यूज योर कॉमन सेंस। ऑडियंस बनकर सोचो कि उन्हें क्या चाहिए, ऐसा क्या है जो वो सर्च कर रहे हैं, फाइंड करो उसे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब में तुम टाइप करते हो पाइल जोन तो सबसे पहला सजेशन ही रोस्ट आ रहा है। मतलब पाइल जोन रोस्ट काफी डिमांड में है, पर तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि इसकी सप्लाई भी काफी होगी। बट स्टिल, वहीं अगर मैं सर्च करता हूँ फिजिक्स वाला तो लोगों को फिजिक्स वाला की मोटिवेशन चाहिए, रोस्ट नहीं। तो ऐसे चीजों को समझो, अपनी ऑडियंस के बारे में सोचो, वो गांव से है, वो सिटी से है, इंडियन है, फॉरेन है, बच्चे हैं, बड़े हैं या कौन है। तुम्हारी वीडियो टाइप क्या है, तुम अपने थंबनेल से क्या बताना चाहते हो, एंड इन्हीं फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए तुम्हें डिसाइड करना होगा कि ऐसे में तुम्हारी ऑडियंस किस पर ज्यादा क्लिक करने वाली है, एक एस्थेटिक थंबनेल पर या फिर एक रॉ थंबनेल पर। ऐसे ही सीक्रेट नंबर 2 और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वीडियो का मेन पार्ट भी वही है। ऑब्वियसली एनी डे आई विल चूज एन एस्थेटिक थंबनेल ओवर एन नॉन एस्थेटिक वन, लेकिन वो क्लिकी भी होना चाहिए। तो रूल बड़ा ही सिंपल है, ऐसा ना हो तुम एस्थेटिक बनाने के चक्कर में उसे क्लिकी बनाना ही भूल जाओ। YouTube पर एक से एक बढ़िया थंबनेल्स हैं, पर उन पर उतने व्यूज नहीं है। क्यों? बिकॉज वो देखने में तो मस्त है पर क्लिकी नहीं है भाई। तो अपने थंबनेल्स को ज्यादा से ज्यादा क्लिकी बनाओ। अब क्लिकी कैसे बनाना है ये जानना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लो, वरना वॉच टाइम बढ़ाना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक होगी अबाउट माई सीक्रेट, कि कैसे मैंने बस एक महीने में उसे यूज करके 20,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स करे हैं।